हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं मैं आपका अपना चैनल सेट स्टडीज में। फ्रेंड्स, घटना चक्र के सीरीज में आज हम लोग साइमन कमीशन और लाहौर अधिवेशन के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले आधुनिक भारतीय इतिहास का वीडियो प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, तो आप नए हैं तो वहां जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अपना कमेंट राय साझा करें। तो चलिए प्रश्न की ओर। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, आंसर ए, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ। कमीशन जहां गया वहां पूर्ण हड़ताल रखी गई तथा साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस द्वारा की गई इस बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। कथन। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसमें बताना है ए और आर दोनों सत्य है, ए की सही व्याख्या आर है, या ए आर दोनों सत्य है परंतु ए का सही व्याख्या आर है, ए सत्य है आर गलत है, आर सत्य है ए गलत है। आंसर, ए और आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या आर करता है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, आंसर एम एल नेहरू ने। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाले सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। दो मुस्लिमों सहित कुछ 9 अन्य लोग इस समिति के सदस्य थे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? राजगोपालचारी और सरदार पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सरपू और जायकर, जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम। आंसर सी, सर तेज बहादुर सरपू और जायकर। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए व्यक्तियों में पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेट्स हेतु संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। तथापि प्रश्न में उनके साथ गोविंद वल्लभ पंत का नाम दिया गया है जो इससे संबंधित नहीं थे, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी होगा, क्योंकि तेज बहादुर सरपू और जायकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे शामिल थे। इसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक को हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, सी संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। इसे कूट में बताना है ए सही है, ए भी सही है, या तो आंसर बी और सी सही है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट अधिराज का दर्जा की बात कही गई थी। इसने सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता का अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था। इस प्रकार कथन ए गलत है जबकि ए बी सी सही है। निम्नलिखित में से कौन 1928 में इंडिपेंडेंट इंडिया लीग के गठन के संबंध थे? इसे कूट में बताना है। आंसर ए और बी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस।
वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता का मांग का मुखर करना था। इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था ए मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता, बी जवाहरलाल नेहरू भारत में स्थायी स्वशासन, सी मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था, डी जवाहरलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था। आंसर सी मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था। साइमन आयोग की नियुक्ति करने वाले अनुदारपंथी राज सचिव लॉर्ड विरकेन हेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों को व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना का अंतिम रूप देने के लिए फरवरी मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 को प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम के से बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी कि जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य में पृथकीकरण। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? आंसर सी 1929। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 का विरोध स्वरूप 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? आंसर बी लाला लाजपत राय। कांग्रेस दल के उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की वह किसके विरोध में स्थापित हुई थी? ए गांधी इरविन समझौता, बी होम रूल आंदोलन, सी नेहरू रिपोर्ट, डी मोंटफोर्ट सुधार। आंसर सी नेहरू रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर आपत्ति रखी। ये पूर्ण स्वराज का तत्कालीन लक्ष्य के रूप में रखने की मांग कर रहे थे। फलतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्र के रूप में परिभाषित किया जाए? मजहरुल हक, मौलाना हसरत मोहानी, अमीर अजमल खान, अबुल कलाम आजाद। आंसर बी मौलाना हसरत मोहानी। वर्ष 1921 में इलाहाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता और संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष सी आर दास चुने गए थे किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस बनाने का प्रस्ताव किया? कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव किया। आंसर बी हसरत मोहानी। कांग्रेस में कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? आंसर ए 1929। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया था कि वह एक वर्ष के नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा पर सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ।
जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया, जिसे 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि को घंटा बजाकर कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण संविधानता दिवस के रूप में। निम्नलिखित में से किस एक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो आंसर बी, जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? आंसर डी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किन एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? लाहौर 1929, कलकत्ता 1928, लखनऊ 1936, रामगढ़ 1940। आंसर ए, लाहौर 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ए, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की उम्र में एक संकल्प पारित किया। बी, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े का सुलझाव लिया गया। सी, अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। इसे कूट में बताना है। आंसर केवल एक, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की उम्र में एक संकल्प पारित किया। जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया और वर्ष 1930 में 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा उस वर्ष से प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में ए, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई थी, पूर्ण स्वराज प्राप्ति की सूचित किया गया था, असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, लंदन में गोल मेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। आंसर बी, कांग्रेस के लक्ष्य तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को सूचित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? आंसर डी, अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं, दूसरा नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज के दर्जे की योजना समाप्त की जाती, तीसरा शब्द स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता, चौथा अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगी के संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं है। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति को ही भारतीय विदेश नीति के रूप में माना जा सकता है क्योंकि ब्रिटिश शासन में शेष विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती थी। वैसे 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि भारत की एक विदेश नीति होनी चाहिए। तो अगला वीडियो हम लोगों का सविनय अवज्ञा आंदोलन का रहेगा। तो थैंक्स सो मच।